गुमनाम और खामोश सिपाही मकबूल हुसैन शहीद को रुखसत हुए 3 बरस हो गए। 1965 की जंग में गिरफ्तार होने वाले मकबूल हुसैन ने 40 साल भारतीय जेल में कैदों बंद की सोबतें बर्दाश्त की। अब नास खान की रिपोर्ट देखिए। वतन अजीज पाकिस्तान की खातर अजीम कुर्बानी पेश करने वाले नाडार सिपाही मकबूल हुसैन का ताल्लुक आजाद कश्मीर के जिला सदनुती की तहसील त्राड़खाल के एक गांव से है। गाजी सिपाही मकबूल हुसैन को भारतीय बुजदिल आर्मी ने 1965 की जंग में गिरफ्तार करके कैदी बना लिया था। दौरान कैद इनसे मुल्क के पोशीदा राज उगलवाने की कोशिश की गयी, लेकिन मकबूल हुसैन ने कोई भी राज फाश न किया, यहाँ तक के अपनी जबान भी कटवा दी और मुल्क से हकीकी वफादारी का सबूत दिया। चालीस साल 22 दिन कैद की तकलीफ बर्दाश्त की और बिल आखिर 2005 में कैदियों के तबादले में रिहा हुए। इनकी नाकाबले फरामोश कुर्बानियों की लाजवाब दास्तान को नजराना अकीदत पेश करते हुए सतारा जुरत से नवाजा गया। इनके खानदान वाले आज भी इनकी बहादुरी की दास्तानें सुनाते हैं और फख्र है और उन्होंने इस मुल्क और कौम की खातिर बहुत बड़ी कुर्बानी और बहुत बड़ी मिसाल कायम की है कि 40 साल जेल काटना ये पूरी दुनिया में वाहिद बंदा है। मैं फख्र महसूस करता हूँ कि मैं इनके खानदान में से हूँ, इन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। आइंदा भी मुल्क और कौम की खिदमत और मुश्किलात में सिपाही मकबूल हुसैन बनने का अज़्म भी रखते हैं। बुलेटिन में शामिल करेंगे एक